वालेकुम। आज हम आपको एक नई चीज़ दिखा रहे हैं, हिंको का बैटरी चार्जर। सिंपल सा इसका मॉडल है INGCB1601। इस चार्जर में ये खासियत है कि जी ये 12 वोल्ट चार्ज भी करता है और 24 वोल्ट चार्ज भी करता है। ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये अगर आप गौर से देख सकें, इसको कैमरा हमारा दिखा सके। सिंगल फेज इसका ऑपरेशन है, 12 वोल्ट है एम्पियर्स में, और ये सारी ऑप्शन है। इसको मैं आपको अनपैक करके आप दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। हमेशा की तरह अच्छी कंपनियों का सबसे बेहतर जो निशानी होती है वो यही होती है कि उसके साथ उसकी बुकलेट लाजमी होती है, ताकि आप उसके फीचर्स को, उसकी फंक्शंस को अच्छी तरीके से चेक कर सकें। एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आप यूज़ करते हुए इसका फ्यूज़ उड़ जाए तो फौरी तौर पर आपको मार्केट ना भागना पड़े। फ्यूज़ भी अवेलेबल हैं एक्स्ट्रा के तौर पर। इसको हम निकालते हैं बॉक्स में से, बॉक्स को हम साइड पर कर देते हैं जी। अब इसके मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूँ। सिंपल, ये इसकी पावर कॉर्ड जो कि डायरेक्टली बॉटम में लगेगी। ये इसके टर्मिनल कॉर्ड्स हैं जो कि नेगेटिव पॉजिटिव, रेड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो ब्लैक होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। आसानी के लिए इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ था ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्योंकि बैटरीज में नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये आप हमेशा एहतियात करें। और इसका आपको मैं फ्रंट आउटलेट भी दिखा देता हूँ। ये इसका एम्पियर मीटर लगा हुआ है, ये इसके फ्यूज़ हैं, ये इसकी ऑप्शन है। अगर आप ऊपर की तरफ रखते हैं तो ये 12 वोल्ट चार्ज करेगा, अगर आप नीचे कर देंगे तो ये 24 वोल्ट चार्ज कर देगा। सिंपल, ये टाइम रखा हुआ है, अगर मेंट है बूस्ट करने के लिए ऑन ऑफ, ये चीज़ आपकी ऑन ऑफ। ये इसका अगेन फ्यूज़ है, खुदा ना खास्ता फ्यूचर में अगर ये कोई प्रॉब्लम करे तो आप इसको जो इसका साथ है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये इसकी DC आउटपुट 12 वोल्ट 24 वोल्ट। अब इसको हम इसको बैटरी के साथ अटैच करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये हमने कॉर्ड्स को खोल दिया है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, ये पावर कॉर्ड है जो कि आपके डायरेक्टली बॉबडा में लगेगी, और ये दो वायर जो हैं नेगेटिव पॉजिटिव ये बैटरीज के लिए होगी। अच्छा, इसमें जो एहतियात वाली बात है वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, दोबारा इस पर क्लोजअप लेके आता हूँ। बेसिकली अब ये ऑप्शन हैं दो, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि इसमें आप 12 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, 24 वोल्ट की बैटरी भी। अब 12 वोल्ट का क्या मतलब होगा कि एक बैटरी, 24 वोल्ट का मतलब है कि दो बैटरीज। अगर आपके घर में दो बैटरीज हैं तो इसका मतलब आपका भी 24 वोल्ट बनता है। अगर आपकी एक बैटरी है जिसका मतलब है कि आपका 12 वोल्ट है। तो ये आपको सेटिंग पहले ही करनी पड़ेगी इसको प्लग करने से पहले। आपने मेरे पास इस वक्त ये दो बैटरीज आपको नज़र आ रही हैं, इसलिए मैंने इसको 24 वोल्ट पर सेलेक्ट कर दिया। दूसरा, ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको हमने करना है, लेकिन इसको हम आखिर में बिल्कुल ऑन करेंगे जब हम लोग इसकी तार लगा देंगे बैटरीज को। और दूसरी एहतियात की बात इसमें क्या है कि जो इसकी दो टर्मिनल्स आप देख रहे हैं ये खाली हैं, इस पर पहले UPS लगा हुआ था, तो आपने एहतियात ये करनी है कि इन दोनों को टर्मिनल्स को पहले उतार देना है ताकि UPS इससे डिस्कनेक्ट हो जाए। सिर्फ इसका जो वोल्टेज है, इसके जो एम्पेयर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल हो, ताकि किसी किस्म की शॉर्ट सर्किट का इशू ना हो। अब सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, अहम ब्लैक वाली ये नेगेटिव यहाँ पे बना हुआ है, ये हमने नेगेटिव पे लगा दिया। ये सिंपल पॉजिटिव, ये हमने पॉजिटिव पे लगा दिया। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है, ये मैंने आपको देख रहे हैं सारे मैंने इसके कैप्स ओपन कर दिए हैं। ये कैप ओपन करने का मतलब ये होता है कि जब ये आप चार्जिंग करेंगे ना, तो इसका जो अंदर एसिड है वो बेसिकली जब बर्न होगा या इसका वेपरेट करता है, तो ये बटन, ये ऊपर से कैप्स बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी गैसेस जनरेट करता है जब ये एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो एहतियाती तौर पे आपने इसको खोल देना है, ताकि अगर ये हो तो ये करते रहे। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि इसको आपने डायरेक्टली किसी धूप वाली जगह पे नहीं रखना इस चार्जर को। और चार्जर की आप ये देख रहे हैं, ये एग्जॉस्ट बने हुए सारे, और ये ऐसी जगह हो जहाँ पर हवा ईजीली इसको वेंटिलेट कर सके, वो कमरा भी ऐसा हो, कोई ठंडा हो, इनडोर हो, आउटडोर ना हो, कि ताकि जहाँ पर धूप ना हो डायरेक्टली, या बारिश का पानी, इस तरह की चीज़ें इस पर यूज़ ना हो। अब इसको मैं हम वापडा आपको करके दिखाता हूँ। ये सिंपल, मैंने वापडा में इसको कर दिया, ठीक है जी। वापडा वहाँ से स्विच ऑन है, अब मैंने सिंपल इसका ये स्विच ऑन करना है, यहाँ पे स्विच ऑन हो गया। सो ये थोड़ी सी अब हो गई, अभी अप्रॉक्स तकरीबन एक घंटा लेगा, क्योंकि ये मेरी बैटरीज जो हैं ये तकरीबन
12 वोल्ट की, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 160-170 एम्पियर की दोनों बैटरीज हैं, तो ये तकरीबन 160 घंटे या 120 घंटे 120 मिनट सॉरी 60 मिनट या 120 मिनट ये चार्जिंग टाइम लेगा। तो ये मतलब 160 मिनट मिनिमम और 120 मिनट मैक्सिमम आपका एक्चुअल जो बेसिकली बैटरी का पता चलता है वो बेसिक, जब आपके पास अगर तेजाब को चेक करने वाला एक मीटर आता है मार्केट में वो भी अवेलेबल है इजीली, अगर वो हो तो आपको आप अच्छे तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, अगर वो नहीं भी है तो एहतियाती तौर पे आप मैक्सिमम एक घंटा लगाएं, 40 मिनट लगाएं, 50-60 मिनट या 70 मिनट में आप इसको चार्ज करके इसको बंद कर दें। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बैटरी चार्ज हो गई है। अब ये तो मैंने आपको प्लग करना, अब इसको अनप्लग करने का तरीका मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। अनप्लग करने जैसे आपकी ये बैटरी चार्ज हो गई, एक घंटा गुजर गया आपका, सबसे पहले आपने ये स्विच को यहाँ से ऑफ करना है, उसके बाद ये ताकि पीछे से आपकी सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए, उसके बाद सबसे पहले आपने वहाँ से पॉजिटिव तार को उतारना है, ये आपने उतारा, उसके बाद ये आपने नेगेटिव तार को उतारा, उसके बाद आप इसको ये वाटर प्लग से अनप्लग कर सकते हैं सिंपल। उसके बाद इसको आप संभाल दें और अपनी बैटरीज को दोबारा आप यूपीएस पे चार्ज करना चाहें तो भाई यूपीएस पे चार्ज कर दें। इसका मतलब ये है कि अगर यूपीएस नहीं है तो आपने डायरेक्टली चार्ज करना है, जैसे गाड़ी की बैटरी भी आप इस तरह चार्ज कर सकते हैं, अपनी बाइक की भी करके। यूपीएस की बैटरी आजकल गर्मी आने वाली है तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा इशू इनकी बैटरी यूपीएस की बैटरी चार्जर्स का ही मसला होता है। इस हवाले से ये एक आपके पास एक्स्ट्रा टूल बड़ा बेहतरीन है जो कि आपकी बैटरीज को बर वक्त और मुनासिब चार्ज कर देता है, तो आके बैकअप में भी फ़ायदा देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट्स भी करें, अगर कोई आप चीज़ हमें बताना चाहते हैं या हमसे पूछना चाहते हैं दोनों सूरतों में कमेंट्स हमें करें, और आइंदा की वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हूँ। अल्लाह हाफिज।